किया हुआ है ये तो यहाँ पर जो दोस्त से शादी करनी है तो यहाँ पर रख लेते हैं। लाटकना रेस्टोरेंट पे तो आपको यहाँ पर क्या रिव्यू भी देंगे और दिखाएंगे कैसा है। चलो मेरे साथ तो संबल बताएं। तो ये देखे यहाँ पर खड़ी हो गई है शुभो और सुमेल। अच्छा होगा मुझे ये सीढ़ी नजर आ गई वरना मैं यहाँ से गिरने वाली थी। ये गिरी तो समझो गई, ये टाइम नहीं देखती, ये गिर जाती जब ये वॉक करती है तो ये टाइम नहीं देखती, जब ये गिरती है तब टाइम नहीं देखती। तो चलो चलो गाइस, कुछ तरीका है भीख मांगने का। तो गाइस चलो मैं यहाँ पर कुछ आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये बेकरी भी है इनकी। देखें हमने ट्रेनिंग की है, ये शुरू होते ही खत्म हो गई। ये कह रही है ये शुरू होते ही खत्म हो गया। तो चलो देखते हैं क्या करते हैं अभी। चलो बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो गाइज आज हम दोनों ने ट्रेनिंग की हुई है सोमल में। तो आप बताएं हम दोनों कैसी लग रही हैं। गाइज यहाँ पर सॉन्ग चल रहे हैं इसलिए हम अभी लोग नहीं बना रहे। ओह अच्छा, हमको सिखा रही है। चलो हम आज आपको टूर करवाएंगे लाटकना हॉस्पिटल का। तो देखें कैसे इनकी मैनेजमेंट देखते हैं और देखें कहाँ पर। तो गाइस नीचे छोटा सा फैमिली हॉल है, इसके ऊपर अभी हम जाएंगे, वो हमें रूम दिखाएंगे, हम आपको वो डिटेल में टूर देंगे। चलो चलते हैं। तो गाइस चलते हैं बिना वक्त टाइम जाया किए हुए। तो चलते हैं चलो। तो अभी हम लिफ्ट में आ गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को रूम्स ही रूम्स मिलेंगे। तो ख्याल से जो शुमो जाए वो गिनने वाली थी। आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जिसके लिए भी आए। तो भाई चलो, हमने इनको कहा है, क्या हुआ अगर गेस्ट वगैरह लाटकना में आते हैं तो वो यहाँ पर रह सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा रूम का। तो मैंने उनको बोला कि हमें अपनी ऑडियंस को रूम टूर भी देना है। तो उन्होंने बोला हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पर गेस्ट वगैरह हैं तो ऊपर चलते हैं। चलो चलो चलते हैं फिर। चलो चलो
अच्छा यहाँ पर कितने फ्लोर हैं? फोर फ्लोर कौन से एक ये तो सेकंड फ्लोर था। अच्छा तो गाइस ये सेकंड फ्लोर था, अभी हम और दो फ्लोर पर जा रहे हैं। यहाँ से रूम बुकिंग आप लोग करवा सकते हैं रिसेप्शन से। तो गाइस ये देखें यहाँ पर कितना अच्छा डेकोर किया हुआ है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग यहाँ पर बैठ के चाय वगैरह पी सकते हैं आराम से। तो गाइस ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ये। मैं प्यारी हूँ और मैं सबसे प्यारी हूँ। जी जी बिल्कुल आप दोनों हैं। तो चलें चलते हैं कोई रूम देखते हैं फिर, अगर रूम खाली हुआ तो हम आप लोगों को रूम टूर देते हैं। चलो ठीक है भाई का। तो ये देखें यहाँ पर सफाई हो रही है, तो दुपट्टा थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। तो गाइस चले यहाँ से, क्या से चलना पड़ेगा वरना गिरे तो अल्लाह को प्यारे, अल्लाह को प्यारे नहीं हो गए बस। ये फिंगर भी है, फिंगरप्रिंट भी है भाई, बता रहे इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं कि कैसे। नोइंग कोड भी है। अच्छा गुड, तो ये तो बहुत अच्छा है। ये डबल रूम है। तो गाइस ये देखें ये डबल रूम है। तो गाइस यहां पर बेड आप लोग देख सकते हैं बहुत कंफर्टेबल है। और यहां और ये देखें यहाँ पर चलो वॉशरूम का टूर भी आपको करता है। अब ये देखें ऐसे ही सिंगल रूम भी है, यहाँ पर डबल रूम भी है और यहाँ पर एसी भी है। तो गाइस हमारा लाकाना जो है अपडेट होता जा रहा है, यहाँ पर होटल्स जो है वो अभी बनते जा रहे हैं। तो ये एक न्यू होटल है लाकाना होटल, यहाँ के आप रूम्स देख सकते हैं। चार फ्लोर्स हैं, ये हम थर्ड फ्लोर पर हैं और थर्ड फ्लोर का ये रूम है क्योंकि सेकंड फ्लोर पर रूम अवेलेबल नहीं था वहाँ पर। यहाँ पर भी काफी अवेलेबल नहीं थे पर ये था तो एसी भी है गाइस, अभी चल नहीं रही। तो गाइस बहुत अच्छा रूम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और सर आप लोग कॉल कर कुछ भी मंगवा सकते हैं या कोई कंप्लेन हो कुछ भी हो तो, ये तो बेसिक नॉलेज सबको होती है। हेलो हेलो बेबी चलो तो ये देखें सुंबल। और यहाँ पर आपको फुल एलसीडी भी मिलती है और ये देखने के लिए आप बोर हो तो यहाँ हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो ये देखें बहुत प्यारा सा व्यू है यहाँ से, यहाँ से आप लोग बाहर देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग बाहर देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग बाहर देख सकते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? चुप, बिल्कुल चुप। पर ये कैसे खुलेगा? नहीं ये खुलता नहीं है। क्या सीन है, वह क्या सीन है, ये बंद होता है। तो ये सिक्योरिटी के लिए है, अच्छा सा मेरा लगा हुआ है ये। तो गाइस आप भी जब भी आए लड़का ना जो भी आए तो प्लीज विजिट करें जरूर यहाँ पर लड़का ना रेस्टोरेंट। अभी हम आप लोगों को फोर्थ फ्लोर दिखाएंगे, वो कौन सा है? अच्छा वहाँ भी रूम से और शादी हाल आपने फाइव फ्लोर पर शादी हाल भी है यहाँ पर, अगर किसी को शादी करनी है तो यहाँ पर आकर। तो चलो गाइस चलते हैं हम। अभी हम क्या करते हैं चलते हैं अभी शादी हॉल में चलते हैं। इसका सिंगल रूम किया, ये मैं सेपरेट गया तो खाना खा सकते। अच्छा तो फोर्थ फ्लोर पर हम आ गए हैं, उम्मीद है यहाँ पर नहीं। तो ये देखें वाइट पौधा कितना प्यारा लग रहा है, ये देखें क्यूट सा है। यहाँ पर भी फोर्थ फ्लोर पर भी हमें रूम्स मिलेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रूम्स सेम ही सेटअप है। तो यहाँ पर जो दो फ्लोर्स हैं वहाँ पर आप
वाले फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर आप लोगों को फैमिली हॉल मिलेगा, उसके बाद जो जो फ्लोर है वहाँ पर आपको रूम्स मिलेंगे, और जो फिफ्थ फ्लोर है वहाँ पर शादी हॉल है, फ्लोर पर शादी हॉल है वहाँ पर भी हम चलते हैं। तो गाइस हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, आप लोग भी जरूर आए यहाँ पर। तो जो जो बाहर से आते हैं तो उनको स्टे करने का कुछ इशू होता है, तो लांडा में अभी ये होटल हुआ है, संभारा के बाद ये खुला है, सेकंड तो जरूर आना। गर्मी बहुत ज्यादा है और आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर आके ब्लॉग बना रहे हैं, जिससे आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर भी कौन से न्यू होटल रेस्टोरेंट खुले हैं, तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके गाइस तो अभी हम चलते हैं, चलो चलो। ये देखें ये डाइनिंग है, तो ये देखें कितना क्यूट सा है, यहाँ पर आप लंच नाश्ता डिनर जो भी करना चाहे कर सकते हैं। अगर कोई रूम में करना पसंद नहीं करता तो यहाँ पर आकर फैमिली के साथ कर सकता है, एंजॉय कर सकता है। तो ये देखें कितना प्यारा सा सेटअप है इनका, तो बर्थडे सेटअप ही ये काफी देखे थी। तो ये देखे पिंक बलून होने वाली है, अच्छा होने वाली है, अभी डेकोरेशन होगी ये, अच्छा वाओ। ये देखे सामान भी है यहाँ पर, बर्थडे भी कर सकते हैं, तो बर्थडे की कितनी चार्जेस होते हैं? अच्छा अच्छा, तो मैनेजर से पूछेंगे, चलते हैं अभी शादी हॉल। अच्छा ये स्पेशली गेस्ट के लिए है, यहाँ जो स्टे करते हैं। ऊपर भी है। अच्छा तो ये जो सेक्टर है ये किसके लिए, जो यहाँ पर स्टे करते हैं उनके लिए या सबके लिए? सबके लिए। अगर आप लोग सिर्फ बर्थडे करना करने के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सेटअप है, कोई भी करवा सकता है, फैमिली हॉल भर जाता है यहाँ पे खाना खाने आता है। अच्छा सही सही, अगर फैमिली हॉल फुल हो जाता है तो यहाँ पर भी आते हैं खाना खाने। अच्छा तो यहाँ पर है शादी हॉल, तो जिन जिन की अभी शादियाँ हैं तो देख लें, उनके लिए तो इंटरेस्टिंग होगा ये चीज, इंडोर शादी हॉल। ये देखे लग तो प्यारा रहा है गाइस, हम सर की शादी यहाँ पर। ओहो शाबाश बेटा, मेरी तो अभी नहीं होनी। तो गाइस ये देखे, चलते हैं इधर चलते हैं। तो गाइस ये बहुत रॉयल टाइप का सेटअप है, आप लोग झूमर वगैरह देख सकते हैं, और गोल्डन और व्हाइट कलर का थीम है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा है आप लोग। और डिसेंट मतलब प्यारा डिसेंट सा लग रहा है, और गोल्ड जो कलर है ना वो बहुत अट्रैक्ट करता है, और रॉयल टाइप की फीलिंग आती है व्हाइट का की, तो यहाँ पर बहुत अच्छी व्हाइट आ रही है। आप लोग डिटेल में देखिए यहाँ पर शादी हॉल जो है, एंगेजमेंट मतलब कोई भी इवेंट हो, एनी इवेंट, बात पक्की, एंगेजमेंट शादी, शुभो तो ऐसे बता रही है जिन शुभो की शादी हो रही है। नहीं शुभो की शादी नहीं, जैसे शुभो का ये है। तो यहाँ की जो सीक्रेट था सर ने बता दिया कि यहाँ की ओनर शुमाइला है, तो देखे हम तो थक गए बिल्कुल अभी से ही, तो गाइस चलो चलते हैं वापस, चलेंगे तो नीचे चलेंगे। अच्छा तो भाई हमें कह रहा है कि इसका भी रिपोर्ट करें, दिखा रहे हैं सामान जब होता है तो यहाँ पर है सारी प्लेट्स वगैरह, जो भी खाने पीने का अरेंजमेंट होता है तो यहाँ पर ही पड़ी होती है। ये वॉशरूम है, और मैं ये सुम्बल है गाइस, ये शुमाइला है गाइस, ये शुमाइला है गाइस, और ये हमारे ये नहीं खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो मम्मी वाले सब वेट कर रहे होंगे, पहले तो सोच रहे होंगे पता नहीं ये लड़कियां कहाँ गई, तो वो सोच रही होगी यहाँ तो आई ही नहीं लड़कियां, हमने उनको धोखा दिया है, अभी हम वापस चल रहे हैं उनके पास। तो चलो भाई से हम बोलेंगे हम यहाँ पर नहीं, चलो तो हम उनको कहेंगे हम यहाँ पर थे ही नहीं। ये सुम्बुल के चाचे अब अजीब होते हैं बिना समझ के, तो गाइस मैं तो यहाँ से होता जल्दी 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 बना। तो गाइस तो सर आप फिर से बात करनी पड़ेगी, तो गाइस तो गाइस चलो चलते हैं, तो गाइस गर्मी।
प्लीज ये देखें, ये है इनका मेकअप। तो ये देखें अम्मी भी आ गई हैं और ये सुम्बुल और ये शुमो इधर बैठी हुई हैं और ये विस्मा जो है वो कहना के फोटोज क्लिक कर रही है। देखिए विस्मा कितनी प्यारी लग रही हूँ। विस्मा नारा आप बहुत क्यूट लग रही हैं आज। विस्मा नारा विस्मा इन ऑरेंज विस्मा और विस्मा को नाराज इसने किया है क्योंकि विस्मा को मोबाइल नहीं दे रही। विस्मा की पिक्स नहीं दिखा रही। तो गाइस चलो अभी ऑर्डर तो हमने ऑर्डर दे दिया है अभी आए तो उसके बाद हम आपको फूड का रिव्यू भी देंगे कि यहाँ का फूड जो है कैसा है। तो गाइस फूड आए उसके बाद हम आपको फूड का भी रिव्यू देंगे कि कैसा है टेस्ट में। तो अभी वेट करते हैं जब तक फूड आए। गाइस आज हमने ट्रेनिंग की है आप बताना किसने बताया नहीं वो तो पता ही नहीं ना। हमने बहुत बार ट्रेनिंग की है लेकिन लग कैसे रहे एक जैसे लग रही है। तो सुम्बुल ने ना बहुत बार बता चुकी है सुम्बुल कि हमने ट्रेनिंग की है। तो गाइस प्लीज कमेंट करें कि हाँ आपने ट्रेनिंग की है। तो गाइस अभी तो वेट कर रहे हैं हम ऑर्डर कर लिया है हमने तो देखें अभी फूड आए तो फिर खाएं। सैलेड और रायता भी आए हैं सिर्फ तो ये रायता में सुम्बुल खाओ आओ तुम्हारे लिए मुझे लगी है बहुत भूख। और अभी तक गाइस जैसे बच्चे शादियों में खाते हैं ना पहले सलाद तो नहीं किसने खाया मैंने तो नहीं खाया। सर का दिल तो कर रहा है ना अभी लोग होने इसीलिए नहीं खा रही। हाँ गाइस जैसे बंद होगा वैसे ही खाना स्टार्ट हो जाएगा। और हम ऑर्डर करने वाले हमारी अम्मी की चाय आ गई है और अभी सर आपको रिव्यू देगी। चलो मैं पहले रिव्यू अच्छी हो लेकिन हम जाते और थोड़ी सी लेती हूँ। अभी शुमो रिव्यू देगी आपको। तो भाई बिरयानी जो है प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी जो है बहुत कम दी है इन लोगों ने और जो है उसमें मटन भी है और चिकन की क्वांटिटी जो है वो हर चीज़ की क्वांटिटी कम है और प्राइस ज़्यादा है। तो होने से भी मैं अपनी ऑडियंस को देना चाहती थी इसीलिए मैंने होने से ही दिया। हो गया है अभी मैं चाय पी रही हूँ उसके बाद हमने सोचा है कि हम कैसी जाएंगे क्योंकि हमारा पेट नहीं भरा क्योंकि मैंने आपको कुछ ऐसे कि बताया कि क्वालिटी जो है वो अच्छी थी क्वालिटी अच्छी थी पर क्वांटिटी जो है बहुत कम थी क्वांटिटी बहुत कम थी तो हमारा पेट जो है फुल नहीं हुआ। और हमने स्पेशली सहर का सहर का बिल्कुल भी नहीं हुआ वो कह रही है मुझे KFC जाना है तो KFC आई पर लाखाना होटल वालों को यही सजेशन दूंगी कि क्वालिटी तो अच्छी है क्वांटिटी भी थोड़ी सी अपने प्राइस जैसे प्राइस है वैसे ही क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो बिल देखें हमारा बिल कितना आया है। अभी हम सब पैदल जा रहे हैं KFC क्योंकि KFC सामने ही है। ये रही KFC। ओके गाइस अभी हम KFC पर आ गए हैं अपने भाई के लिए KFC लेने और सर को लेनी है ये बोल रहे हैं बाकी सुनो डाडी रेशा
ख्याल से है तो गाइस सारा गुस्सा होने वाली है क्योंकि हम ऐसे बिना लेकिन हम फिर भी जाएंगे वो क्या भी हम जीते तो गाइस हम यहाँ पर छुप छुप कर आए हैं सर को नहीं पता और जैसे क्योंकि रश थी वहां पर बहुत ज्यादा तो हमने सोचा यहाँ पर ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हम ब्लैक ब्लैक लग रहे नहीं गाइस वी आर नॉट ब्लैक वी आर व्हाइट हमारा सर बोल रहा था वी आर एशियन सो वी आर ब्राउन वी आर व्हाइट वी आर नॉट ब्राउन वी आर व्हाइट बोले छुट्टे We are not black. We are white. We are white. We are golden people. We are like golden. We are gold. I'm wearing gold. Dikha pa nahi karte guys. Oh, okay, okay. No, no show off. Okay. So guys, हमारा ये ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ढेर सारा इनको जरूर दबाएं यस गाइस अल्लाह हाफिज नंबर पिस्मा उसे किसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं पता नहीं शायद देखा हो हाँ शायद देखा हो सकता है गाइस हमने आपको बाय बोला अल्लाह हाफिज बोला लेकिन हम फिर भी वापस आ गए क्योंकि हमारे पास कंटेंट था हमारे पास कंटेंट भाग कर आया तो हम यहाँ मिलने वाला था क्योंकि मैं यहाँ से कैसे सॉल्व हो रहा है इसलिए हमने सोचा कि हम उसे पकड़ लेते हैं और आपको दिखाते हैं वाओ वी आर स्वीट गाइस शी इज नॉट स्वीट बट आई एम स्वीट आई एम सॉरी बाबू मम्मी गाइस सर नीचे हमारा वेट कर रही है और अभी हम जा रहे हैं हमारे पास आई कि चलो गाइस चलो अभी वो गाइस आज केएफसी केएफसी नहीं नानी का घर लग रहा था इतनी रश इतनी ज्यादा रश थी आज क्योंकि संडे है इसीलिए